वेलकम टू GX। तो दोस्तों, मैंने अभी अभी फिल्म देखकर ख़त्म की सील टीम, और मुझे ये फिल्म कैसे लगी और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस एनिमेटेड मूवी के साथ, चलिए इसे बारे में यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है किन की, सील की, जो कि एक आइलैंड बनाकर रह रहे हैं। एक तरीके से एक सील आइलैंड है जहाँ पर ये लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता रहे होते हैं, और वहाँ का बहुत ही भद्दा बेकार सा और थर्ड क्लास खाना खाकर वो जी रहे हैं। क्योंकि अगर वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वहाँ है शार्क जो कि उनका वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको खाना मिल जाए और सील उनका खाना बन जाए। तो ऐसे में अब उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि वो जा नहीं सकते, और यहाँ पर अगर वो रहे तो उनको भूखे मरने की नौबत पड़ जाएगी। तो ऐसे में अब वो खुद को कैसे बचाएंगे और इन शार्क से कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि इनकी तादाद भी बहुत ही ज़्यादा है और इनसे बच पाना लगभग लगभग नामुमकिन ही है। तो अब इन दोनों की जंग में जीतेगा कौन, यही हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इस फिल्म में एक्शन देखने को मिलेगा, कॉमेडी देखने को मिलेगा और भरपूर ड्रामा। और सच कहूँ तो इस फिल्म ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया, और एंटरटेनमेंट तो एकदम भरा ही हुआ है फिल्म में। जो कॉमेडी और जो ज़बरदस्त हिंदी डायलॉग्स हमें सुनने देखने को मिलते हैं वो एक तरीके से आपका दिन बना देंगे, और एंटरटेनमेंट तो कमाल है ही है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो हमें जंग देखने को मिली है सील और शार्क के बीच, और यहाँ पर किस तरीके से वो लोग इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और किस तरीके से वो जंग लड़ने की तैयारी करते हैं, और जब जंग होती है तो क्या वो जीत भी पाएंगे या फिर नहीं, इसको जिस तरीके से थोड़ा सा फनी और लाइट वेट में, मतलब बच्चों को ध्यान में रखकर और बड़ों के लिए भी, मतलब एक तरीके से बैलेंस में इस फिल्म को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्म की स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी, और उस हिसाब से फिल्म को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो उस वजह से मुझे इस फिल्म से ज़्यादा कुछ खास शिकायत नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये फिल्म बेकार है या फिर आपको ये फिल्म नहीं देखना चाहिए, और बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ठीक है। अब आज का दिन कुछ ऐसा ही जाने वाला है। तो सच कहूँ तो ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, चाहे बात हो वॉर की जो हमें इस फिल्म में देखने को मिलती है, जहाँ पर सील और शार्क के बीच में जो हमें वॉर देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो हमें कॉमेडी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक सीरियस माहौल में भी जो हमको एक फ़नी वे में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, एक तरीके से जो सिचुएशंस हैं उनको फ़नी वे में दिखाया गया है। तो उस वजह से फिल्म थोड़ा सा लाइट वेट रहती है और फिल्म देखने में भी मज़ा आता है, एक तरीके से टेंशन नहीं रहता है सर में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उसके साथ जो बोनस में हमको हिंदी डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा फ़नी हैं कि उसको देखकर सुनकर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा आप इन्जॉय करोगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए इस फिल्म को इन्जॉय करने के लिए, तो इतना काफ़ी है। और ये जो फिल्म है हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इसलिए देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। हालांकि ये फिल्म मुझे लगा कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है, पर हाँ, मैंने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, मतलब वैसे भी मैं करता ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि बड़े भी इस फिल्म को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये वाकई में बहुत तगड़ी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, वो भी एनिमेटेड मूवी। तो एनिमेटेड मूवीज़ में एक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो फिर ऐसे में इस फिल्म को मिस क्यों करना है। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की, फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। जोहार।